पूरा गांव ये नौले में पानी पीने के लिए ले जाता है। ये मैया का वरदान है, साफ पानी आता है यहाँ, ठंडा पानी। पहले फुल रहता था हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पानी इसमें कम नहीं होता था, पानी हमेशा फुल रहता था, लेकिन करीब 10-15 साल से ये पोजीशन होते गई। पहले समय के हिसाब से बारिश में अधिक मात्रा में बारिश होती थी और लंबे समय तक बारिश हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान समय में कम समय में बारिश होती है और वो भी इतने हवा आदि तूफान की वजह के साथ होती है, तो समय में भी कुछ बदलाव आया है और मात्रा में तरीके में भी काफ़ी बदलाव आया हुआ है मेरी जानकारी में। सुबह 8 बजे के बाद जो भी वर्षा होती है, शाम को 5 बजे हम उसका मेजरमेंट करके नोट कर लेते हैं। सुबह लियो ये 9.7। मेरा नाम जगदम्बा प्रसाद जोशी है, मैं ग्राम नैकेना का रहने वाला हूँ। फिलहाल गांव के वन पंचायत का सरपंच का पदाधिकार दिया गया है। जो इस एरिया का मानसून आता है, थोड़ा सा मैं इसमें हटके बात करूँगा। जब इसमें मानसून आता है, सीधा करंट करता है हिमालय का, वो सीधा उस टॉप को करंट करता है, क्योंकि वहाँ चौड़े पत्ते वाला पूरा जंगल है, और फिर बैक करके यहाँ आता है वो, और जिसका नुकसान जितने समय से ये पहाड़ कटा हुआ है, जंगल कटा हुआ है, पर्यावरण में कमी है और बारिश में भी कमी है एरिया में, क्योंकि इस एरिया का सबसे घना जंगल यही था जो रिजर्व फॉरेस्ट, और कट जाने से इस एरिया के पर्यावरण में बहुत ज़्यादा नुकसान है। मतलब जैसे पानी की कमी सभी लोगों के लिए, तो जैसे अगर एक इंसान नहीं भर सकता सारा पानी, तो हम नंबर सिस्टम, मतलब जैसे अभी नंबर सिस्टम, वही मतलब सबके लिए पानी पहुंचना चाहिए। यह नौला लगभग 1500 साल पुराना है। पिछले 2 साल से नौले में पानी बढ़ने का कारण गांव के स्तर पर जंगल के बीच में बड़े बड़े तालाब बनाए गए हैं, जिससे इस समय यह नौला फुल भरा है। यहां पर जिस प्रकार आप तालाब देख रहे हैं, इससे ऊपर भी 2 तालाब और बने हुए हैं। यही पानी रिचार्ज होकर के ज़मीन के अंदर से हमारे स्रोतों में जाता है और स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध होता है। जो जंगल में ऐसे अगर डाउन व्यू में अगर पानी का स्रोत है, तो फॉरेस्ट एरिया और को प्लांटेशन बढ़ाना या तालाब बनाने, डिच या डैम बनाने, ये बहुत ज़रूरी हैं, तभी डाउन स्तर का पानी बढ़ सकता है। जंगल बनने का मूल जहां चौड़े पत्ते वाला जंगल है, क्योंकि यह जंगल गांव के सिक्योरिटी के अंदर है, गांव वाला उसमें चौकीदारी करते हैं, लेकिन जो एरिया आपके पीछे पूरा दिखाई दे रहा है बांझ का जंगल, तो जंगल मतलब जो है अच्छी खासी हालत में है। पहले तो इतने पेड़ थे नहीं, छोटे पौधे भी नहीं थे। और जंगल के मतलब जो है अच्छा होने से जो है पानी के स्रोत रोज भी बढ़ रहे हैं।
पहले तो सर जो है जून में एक बार तो ये बिल्कुल सूख गया, मतलब खाली टप 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 बूंदे आने लगी। अगर हम अगले एरिया में आग लगता है, जो आगे वाला जंगल हमारा पड़ा है, वहाँ जाने तक एक तो बहुत टाइम लग जाता है आग को कंट्रोल करने के लिए, दूसरा चीड़ का पत्ता होने से उसको आग बहुत तेज पकड़ता है। और यहाँ पर बांस के पत्ते अपेक्षा बांस के पत्ते वाला जंगल में आग बहुत धीमे लगता है। अगला जो इससे आगे वाला जंगल दिखाई दे रहा है चीड़ का, वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, गांव का कोई चौकीदार नहीं रह सकता है, क्योंकि गांव उसको इतना पैसे का फोर्ड नहीं कर सकता है इस वाले एरिया में, तो ऐसे में पूरा चीड़ का बढ़ गया। इससे पहले 52 से पहले कोई वहाँ पर पूरा बांस था, लेकिन चौकीदार नहीं होने पर, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होने पर बांस कट करके लोगों ने जलाना शुरू कर दिया, चीड़ उड़ के आ गया और पूरा चीड़ का जंगल बन गया है जिसका नुकसान हुआ है। आप देखेंगे पानी सब अंदर चले गया, एकदम पानी पी लिया है जमीन ने। पानी का गांव को बहुत बड़ा डिफिकल्टी है, इसके लिए आपके द्वारा गाइडलाइंस और आपके द्वारा हमको सहयोग देने की जरूरत है, ताकि पानी के स्टोरेज को और बढ़ाया जा सके। आधा भुरमणी गांव में और आधा थाना गांव में पानी लेने को जाता है। मैं भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और आपके माध्यम से जल विभाग दुनिया के अंदर, देश के अंदर और अपने उत्तराखंड के अंदर यह चाहता हूँ, ताकि पानी के लिए जितना भी सरकारें कर सकें, ऊंचे भागों में तालाब बनाकर, ऊंचे भागों में डैम बनाकर, जिससे पानी कभी पृथ्वी का स्तर डाउन नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूं हमारे देश के हर कोने पर, हर पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह का अभियान चलाकर पानी की पूर्ति की जाए।